हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बजट की रसोई में बचे हुए गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जो क्रिस्पी कुरकुरा है, साथ में हेल्दी भी है। बनाना बहुत ही सिंपल है, आपने ध्यान से सुना, बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा नाश्ता बनता है। बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग कर इसे खाएंगे और आपसे हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर बनाने की डिमांड करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हमने आधा कप गेहूं का आटा ले लिया हुआ है, उसी के साथ 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ में ही 1 चम्मच यहाँ पर धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें इस तरह से बनाना है कि बहुत ही पतला नहीं, बहुत ही मोटा नहीं। ये देखिए, इस कंटेंसी में हमें घोल चाहिए, तो हमारा घोल तैयार हो गया है। इसे रेस्ट पर रख देते हैं, मसाला की तैयारी कर लेते हैं। 1 उबला आलू, 1 या 2 जैसे आपको लगे क्वांटिटी, तो उसे कद्दूकस कर लेंगे। साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, यहाँ पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, काला नमक 1 छोटा चम्मच, यहाँ पर चाट मसाला, और उसी के साथ हम कुछ सब्जियाँ यहाँ पर ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ 2 गाजर, धनिया, पत्ता गोभी हमने कट करके ले लिया हुआ है। सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको कोई और सब्जियां भी पसंद हैं तो इसमें ऐड कर सकती हैं, खासकर जो आपके बच्चों को पसंद हो। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फेसबुक पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो बजट की रसोई पेज से मेरा चैनल है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर लहसुन मिर्ची और थोड़ी सी धनिया का पेस्ट डालेंगे, साथ में थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हमारे मसाले को मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब हम ये हमने हमारे पास गेहूं का आटा है जो रात को बचा हुआ है, आप ताज़ा आटा भी ले सकते हैं। इस आटे में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स यहाँ पर ऐड करेंगे, उसी के साथ 1 चम्मच जीरा, अजवाइन खाते हो तो अजवाइन भी डालें, पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है, तो आटे में ऐसे मल लेना है कि जिससे ये आटे में ये अच्छे से हमारे डो में लग जाए, और उसके बाद चकले पर इस तरह से हमें बड़ी बड़ी लोइयां कट कर लेनी है। तो यहाँ पर लोइयां तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 लोइयां हमारी बनकर तैयार हुई थी, तो 4ों को रख देंगे और 1 यहाँ पर लोई लेकर इस तरह से जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है, चकले के बराबर ही इसे पूरा बेलना है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इस तरह का बर्तन हो तब हमें इस तरह से जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से कट कर लेना, इससे एक अच्छा शेप भी आ जाएगा, हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया हुआ है, तो ध्यान से कट कीजिए और जो एक्स्ट्रा भाग है उसे हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा भाग निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी पत्ता गोभी की जो काट कर रखी थी उसे इस तरह से डाल देंगे हर पूड़ी पर, और उसके बाद हमने जो फिलिंग्स बनाई थी आलू की उसे भी इसमें भरेंगे 1-1 चम्मच। तो इस तरह से काफ़ी टेस्टी ये नाश्ता बनता है, बनाना बहुत ही आसान होता है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितना सिंपल तरीके से ये हमने बनाया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप
के पास समय नहीं है तो रात को भी इस तरह से भर कर फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो जो हमारा बीज का हिस्सा था उसे भी हमने कट कर लिया हुआ है और उसके बाद इस तरह से हमें एक कोना उठाना है और इस तरह से हल्का सा हमें प्रेस करना है। यहाँ पर दोनों कोनों को चिपकाना नहीं है बल्कि इस तरह से हल्का सा हमारा जो मसाला है उसे दिखना चाहिए। तो मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हल्के से इसे प्रेस करें। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये हमारा नाश्ता बनाने का। तो इसी तरह से हम सारे फ्रिज को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं। जो गेहूं वाला घोल तैयार किया था उसे हम इस तरह से डीप करेंगे हर पीस को और उसके बाद तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे लो टू मीडियम और एक एक पीस को इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा, लो रखेंगे तो ये तेल पी लेगा। इस बात का ध्यान रखें और जब एक तरफ ये हो जाए तब हमें इसे पलट देना है। तो इस तरह से हमें उलट पलट कर इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी बैच को इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी पीस को इस तरह से तैयार कर लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे रात को भी तैयार कर के रख सकते हैं और बच्चों को सुबह फ्राई करके दे सकते हैं। बहुत आसान होगा आपका काम। ये देखिए हमने दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल दिया है। जब एक तरफ हो जाए तो हमें दूसरी तरफ इसे पलटी कर देना है। तो आपने देखा कितना आसानी से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो बच्चों को ये नाश्ता काफ़ी पसंद आने वाला है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और चलिए फटाफट आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं कितना क्रिस्पी बना है और तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि ये नाश्ता अंदर से भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, खासकर जो मसाले हैं चाट मसाले डाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे सर्व कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट में हम इसे लगाएंगे और उसके बाद धनिया से इसे गार्निश करेंगे। और ये देखिए हमारा टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा गेहूं का नाश्ता तैयार है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी में।